I am Dr. Suhail Dalal from Sanjeevani Ayurveda Hospital, Surat, Gujarat, and I welcome you all to our YouTube channel, Dr. Dalal's Ayurveda. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं च्यवनप्राश के बारे में. च्यवनप्राश खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, च्यवनप्राश किन लोगों को खाना चाहिए, च्यवनप्राश किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं. इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. दोस्तों च्यवनप्राश नाम जो है वो च्यवन नाम के एक ऋषि जो थे वो ओल्ड एज हो चुके थे, जरा अवस्था को प्राप्त कर चुके थे. उनको एक अवलेह बना के दिया गया. उस अवलेह का रेगुलर सेवन करने से च्यवन नाम के ऋषि को फिर से युवन अवस्था यानी कि वो वापिस से जवान हो गए और उनके जो ओल्ड एज रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो दूर हो गए. इसीलिए इसका नाम जो है वो च्यवनप्राश पड़ा हुआ है. च्यवनप्राश जो है वो आयुर्वेद की चरक संहिता में बताया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन औषधि है. च्यवनप्राश का सेवन हमें किस तरह से करना चाहिए वो पहले मैं आपको बता देता हूँ. समर में यानी कि गर्मियों में अगर हम च्यवनप्राश का सेवन करना चाहें तो उसको एक चम्मच सुबह खाली पेट ठंडे दूध के साथ लेना चाहिए. अगर विंटर्स में यानी कि सर्दियों में हम च्यवनप्राश का सेवन करना चाहें तो एक चम्मच सुबह खाली पेट गर्म दूध के साथ विंटर में आपको उसका सेवन करना है. ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि च्यवनप्राश जो है वो सिर्फ विंटर में ही लिया जाता है और सिर्फ ठंडी की सीजन में ही लिया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. च्यवनप्राश जो है उसका हम पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग रोग में उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सी उम्र में कितने प्रमाण में च्यवनप्राश का सेवन हम कर सकते हैं. एक से लेकर पांच साल के जो बच्चे हैं वो सुबह आधी चम्मच खाली पेट लेंगे च्यवनप्राश. जो पांच साल से लेकर दस साल की उम्र है जिनकी वो सुबह एक चम्मच खाली पेट लेंगे. दस साल से लेकर बड़ी उम्र के लोग दो चम्मच यानी कि दस ग्राम तक सुबह खाली पेट उसका सेवन कर सकते हैं. जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो लोग सुबह आधी चम्मच खाली पेट दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं. च्यवनप्राश खाने के बाद आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि च्यवनप्राश को खाने के बाद सुबह अगर आपने खाली पेट च्यवनप्राश को खाया है तो च्यवनप्राश को खाने के बाद दो घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन औषधि है ये. शरीर में जाके उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, पूरी बॉडी को नरिशमेंट का उसका रोल है. तो आपको च्यवनप्राश खाने के बाद जब तक वो पूरा डाइजेस्ट होकर आपको वापिस से भूख ना लगे तब तक दो घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है. अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि च्यवनप्राश के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. आयुर्वेद में चरक संहिता के अनुसार देखने जाए तो च्यवनप्राश का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट और सबसे बड़ा जो रोल है, सबसे पहला नंबर वन बेनिफिट उन लोगों को है जिनको फेफसेक यानी कि फेफड़े के रोग है, जिनको अभी वायरस का इन्फेक्शन फेफड़े में हुआ है, जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस रहता है, जिनको एलर्जिक अस्थमा की शिकायत है, जिन लोगों को लंग्स फाइब्रोसिस डेवलप हो चुका है, जिनको बहुत लंबे समय से खांसी की शिकायत है, जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस है मतलब कि रनिंग नोज की शिकायत रहती है और बहुत ज्यादा छींके आती है, बहुत ज्यादा सर्दी रहती है, जिनको बार बार थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, जिनको बार बार फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिनके फेफड़े बिल्कुल कमजोर है, ऐसे लोगों के लिए च्यवनप्राश जो है वो एक रामबाण औषधि है और वो लोग च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन करके अपने ये रोग में से बहुत जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं. तो दोस्तों लंग्स के लिए च्यवनप्राश जो है और हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसके लिए च्यवनप्राश का सबसे ज्यादा बेनिफिट देखा जाता है. उसके बाद चरक संहिता के अनुसार अगर हम देखने जाए तो च्यवनप्राश का दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिन लोगों का वजन बहुत कम है, जो पतले दुबले हैं, जिनका मास जो है वो बहुत कम है, जो बहुत लो बॉडी वेट वाले हैं, उन लोगों को सुबह खाली पेट रेगुलर च्यवनप्राश का सेवन करने से उनका बॉडी जो है वो बहुत ही अच्छा मस्कुलर हो जाएगा और उनको अच्छे से ताकत भी प्राप्त होगी. उसके बाद अगर हम देखने जाए च्यवनप्राश ओल्ड एज पीपल जो वृद्ध है, जो जरा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जो बहुत ओल्ड एज हो चुके हैं, वैसे लोगों को जिनको ओल्ड एज की वजह से शरीर में वायु के डिसऑर्डर हो चुके हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो चुके हैं, या तो जिनको सर्वाइकल लंबर या आर्थराइटिस ऐसे वायु के काफी सारे जो रोग है उसमें से कोई भी रोग उनको हो चुके हैं, तो ऐसे ओल्ड एज वाले लोगों को रेगुलर च्यवनप्राश का सेवन करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं और उनके जितने भी न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम या तो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जितने भी उनको हुए हैं उसमें से वो बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर सकते हैं. उसके बाद चाइल्ड ग्रोथ के लिए जो बच्चे छोटे हैं और जो ग्रोइंग चाइल्ड है उन लोगों के लिए च्यवनप्राश का सेवन करना बहुत ही हितावह देखा जाता है, क्योंकि च्यवनप्राश का सेवन करने से
बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। आप चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा फिजिकली स्ट्रांग हो जाए, उसकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी हो जाए, उसका जो है वो मेंटल पावर अच्छा हो जाए, उसकी सोचने समझने की शक्ति अच्छे से डेवलप हो, उसका मेमोरी पावर जल्दी से बूस्ट हो, तो उसको आप रेगुलर च्यवनप्राश का सेवन करवाइए। क्योंकि च्यवनप्राश जो है वो चाइल्ड के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में मिरेकल रोल प्रोवाइड करता है और मिरेकल रिजल्ट भी आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों उसके बाद जिन लोगों को हृदय रोग है, हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ है, जिनका हार्ट कमजोर है, जिनका हार्ट फूल रहा है, ऐसे हार्ट डिसीज वाले लोगों के लिए भी च्यवनप्राश का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। उसके बाद जिनको वात रक्त का रोग है, जिसको आज की भाषा में हम गाउट कहते हैं, गाउट के पेशेंट्स को आयुर्वेद के हिसाब से च्यवनप्राश का सेवन करना बहुत ही हितावह है, क्योंकि गाउट के पेशेंट में इससे बहुत जल्दी और बहुत फास्ट रिकवरी आती है। उसके बाद जिन लोगों को बहुत ज्यादा तरस लगी हुई है, जिन जो पानी की पिपासा रोग कहते हैं, जिसको जिनको बहुत ज्यादा तरस लगती है बार बार, उन लोगों को च्यवनप्राश का सेवन करने से जल्दी फायदा होता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, बार बार जिन लोगों को इन्फेक्शन लग जाते हैं, ऐसे लोगों को च्यवनप्राश का सेवन करने से उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और रोग के सामने लड़ने के लिए उनका शरीर सक्षम हो जाता है। जो लोग आगे मैंने आपको बताया उस तरीके से, जो बिल्कुल बहुत दुबले पतले और जो बहुत वीक है, वैसे लोगों को च्यवनप्राश का सेवन जरूर से जरूर करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जिन लोगों को यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं, जिनको मूत्रवह संस्थान यानी कि ब्लैडर है या यूरिनरी ट्रैक है, उसके रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को च्यवनप्राश का सेवन करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आपको यूरिन के रिलेटेड, यूरिन का फ्लो आपका सही नहीं है, या आपका ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, यूरिन के रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोगों के लिए च्यवनप्राश का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद अगर हम आगे देखने जाएं, तो जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए च्यवनप्राश जो है वो एक रामबाण औषधि है। जिन लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन है, जिनको इरेक्टाइल का प्रॉब्लम है, सेक्स में जिनको इरेक्शन नहीं आता है, जिनका जो वीर्य है, जिनका सीमेन है वो बिल्कुल पतला हो चुका है, या जिन लोगों को जो है वो अर्ली डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन जिसको कहते हैं, या जिन लोगों को सेक्स की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, ऐसे लोगों को जिनका लिबिडो बिल्कुल कम हो चुका है, ऐसे लोगों को च्यवनप्राश का सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वैसे लोगों को कम से कम 2 से 3 महीने तक च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन करना चाहिए। उसके बाद ये एक बहुत ही बेहतरीन मेमोरी टॉनिक है। बच्चों को अगर आप च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन करवाएंगे, तो आपके बच्चे दूसरे बच्चों की कंपेरिजन में जो है वो उनका ब्रेन 100% शार्प होने ही वाला है। उसके बाद च्यवनप्राश का सेवन करने से आपके चेहरे पे ग्लो आती है, आपके चेहरे पे लाली आती है, आपका चेहरा जो है चमकने लगता है। उसके बाद च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन करने से आपका जो मस्कुलर ग्रोथ है, आपके जो मसल्स हैं वो मजबूत होते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं, जो मसल्स बिल्डिंग करते हैं, उन लोगों को च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन जरूर से करना चाहिए। उसके बाद शरीर के जो वायु, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं, जो शरीर के 3 मुख्य आधार स्तंभ है, वो तीनों को बैलेंस करने का काम च्यवनप्राश करता है। तो ये 3 दोष जो है उनको बैलेंस रखने के लिए भी च्यवनप्राश का सेवन हमको रेगुलर करना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों के दांत और हड्डियां कमजोर है, जिनकी हड्डियों में बार बार फ्रैक्चर हो जाता है, जिनका कैल्शियम लेवल वीक है, जिनकी बोन डेंसिटी वीक है, ऐसे लोगों को च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन जरूर से करना चाहिए। उसके बाद जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, रात को पिशाब कर देते हैं अपने बेड में रोज रात को, वैसे बच्चों को भी च्यवनप्राश का सेवन करवाने से बहुत ज्यादा फायदा होते हुए देखा जाता है। च्यवनप्राश एक बहुत बढ़िया ब्लड प्यूरिफायर है। आपके शरीर के खून को ये प्यूरिफाई करके खराब टॉक्सिन्स को यूरिन और मोशन के थ्रू बाहर निकालता है। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भी च्यवनप्राश का सेवन करना बहुत जरूरी है। जो लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, उन लोगों को च्यवनप्राश का सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, इंसोमनिया की तकलीफ है, तो उन लोगों को भी च्यवनप्राश का सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। उसके बाद हम देखें तो जिनको मानसिक रोग है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, जो लोग डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं, जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, उन लोगों को भी च्यवनप्राश जरूर खाना चाहिए, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर में भी च्यवनप्राश बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। जिन लोगों को पिगमेंटेशन, झाइयों की तकलीफ है, चेहरे पे पिगमेंटेशन निकल आते हैं, वैसे लोगों को भी जो है तो ज्यादातर ये तकलीफ लेडीज में देखी जाती है, उन लोगों को भी च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन करने से बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा फायदा होते हुए देखा जाता है। उसके बाद दोस्तों
च्यवनप्राश जो है वो आपके हाजमे को, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी जो भूख बढ़ाता है, आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग एपेटाइट इम्प्रूव करनी है तो आप लोगों को च्यवनप्राश का सेवन जरूर से करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखने जाएं तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि च्यवनप्राश के ये बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स है, बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किन लोगों को च्यवनप्राश नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर च्यवनप्राश हमने किसी ने ज्यादा खा लिया, दिन में 2 से 3 बार 2-3 चम्मच खा लिया तो क्या होगा, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। च्यवनप्राश से कोई बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स आपको नहीं होने वाले हैं। अगर आपने च्यवनप्राश का ओवरडोज कर लिया तो आपको पेट भारी हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी और शायद हो सकता है कि आपको 1-2 बार मोशन या दस्त लग जाए, तो इसका कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन किन किन लोगों को च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना चाहिए वो आपको जरूर से जानना चाहिए। जो लोगों को थायराइड है और उसकी वजह से मोटे हो चुके हैं, उन लोगों को च्यवनप्राश का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। जिन औरतों को, लेडीज को, लड़कियों को पीसीओडी की तकलीफ है, उसकी वजह से उनको मोटापा आ चुका है, पीसीओडी वाले पेशेंट्स को च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना है। जो लोग ओबेस हैं, जो पहले से बहुत मोटे हैं, जिनकी मेद धातु शरीर में बढ़ी हुई है, उन लोगों को च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना है। जो लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना है। जिनका लीवर फैटी है, च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना है। जो डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज है, उन लोगों को च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना है। जो लोग पतले हैं और डायबिटिक है तो उनको स्पेशल शुगर फ्री च्यवनप्राश लेकर उसका सेवन करना चाहिए। और जिन लोगों को इनडाइजेशन की, मतलब गैस, एसिडिटी और पाचन की बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, ऐसे लोगों को च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि च्यवनप्राश का सेवन करने से क्या क्या बेनिफिट होता है, किन लोगों को च्यवनप्राश लेना चाहिए, किन लोगों को च्यवनप्राश नहीं लेना चाहिए। हमारा खुद का भी च्यवनप्राश है जिसका फोटो आपको यहाँ पे दिखाएंगे, संजीवनी च्यवनप्राश, जिसको हम स्पेशली जंगल से फ्रेश हर्ब्स को कलेक्ट करके एकदम अच्छे से ऑथेंटिकेटेड मेथड से बनाते हैं। आप हमारे पास से भी च्यवनप्राश मंगवा सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके च्यवनप्राश बाय कुरियर आपके घर पे भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर आप कोई टॉपिक पे आगे वीडियो चाहते हैं तो जरूर से आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, हम जरूर से कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक पे जो है वो नॉलेज प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।